आज 8 अगस्त को मेरी नानी सास का इंतकाल हो चुका है दोपहर को 3 बजे, तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं दे सका। और अब हम लोग आए हैं मोहल्लों में आवाज़ लगाने। मेरे साथ श्याम मनीष है, हमारी नानी का इंतकाल हो गया है, शाहरुख है, दुखी है, रोहित आया आवाज़ लगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग सुरेश व्लॉग। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार। आज है 8 अगस्त और आज शायद बाजी जाएं। मैं तो बहुत रोक रहा हूं बाजी को कि बाजी रुक जाएं आज एक दिन और, लेकिन वो आज उनकी तैयारी है। और मुझे आज निशा जी को वापसी घर छोड़कर आना है क्योंकि बड़ी बाजी की वजह से वो आई हैं, तो मैंने एक दिन की इजाज़त ली थी, तो आज वो वापसी अपने घर जाएंगी, मैं उन्हें भी छोड़ने जाऊंगा। और आज अलम पाक बुलंद होगा। मैं फ्रेश हो चुका हूं और अभी मैं देखता हूं नीचे क्या हो रहा है, नीचे जाऊं तो फिर पता चलेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं नीचे। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी 10:35 हुए हैं, तो अब हम चलते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड्डी नाराज हो गई। गुड मॉर्निंग श्यान बाबा, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम करो, जय श्री राम करो, जय श्री राम करो, जय श्री राम करो। हाँ, क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग, जय श्री राम करो। ले ले ले। हाँ जीजा, नाश्ता कर लिया? अभी नहीं किया बाबा। शानू बाबा सबने कर लिया अपना नाश्ता, मैं रह गया फिर। बाबा पुप्पी के साथ क्या कहा ले? मैंने बोला पुप्पी के साथ क्या कहा ले? बाबा आपको फ्री होता ही नहीं है, कभी बाबा की बहन बेबो खिलाती है, कभी मोहित, अनीश, अमन, अरमान, ये सारा दिन बिजी रहता है। दादा दादी, बड़ा पापा, बड़ी पापा, बड़ी मम्मा, बड़ी पापा, तो ये बच्चा हमारा बहुत खुशकिस्मत है, बहुत लकी है कि इसको इतना सारा प्यार मिल रहा है। मेरे पास तो ये बहुत कम रहता है ना भाई। गुड्डा बाजी बा, मेरा बाबा कितना प्याला लग रहा है, मैं आज नानी के घर जा रहा है। अभी हम लोग जा रहे हैं शयन बाबा को छोड़ने उसकी नानी के घर। मैं जा रहा हूँ शयन बाबा को उसकी नानी के घर छोड़ने, यानी अपने ससुराल। तो मैं भी फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने ससुराल। बाबा जा रहा है अपनी नानी के घर और हम दोनों पे, ये मेरा बेटा है और मैं इसका डैड हूँ, तो हम दोनों ने एक जैसी ड्रेसिंग की है। अरे यार, अपना तो अपना उतारो ना, मेरे क्यों उतार रहे हो? यार अपना लो ना, यार शानू अपना लो ना, क्या हो रहा है अपना। बाबा दादा है ना, छोटा दादा है। दिशा जा रही है अपने घर और मैं अपना ससुराल और शयन बाबा अपनी नानी के घर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आप थोड़ी देर में। मैं आ गया हूँ अपने ससुराल और अब मैं जा रहा हूँ अंदर। मेरी नानी सास की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। मुझे खबर मिली कि नानी का स्वर्गवास हो गया है दोपहर को 3 बजे। आज 8 अगस्त को मेरी नानी सास का इंतकाल हो चुका है दोपहर को 3 बजे, तो इस वजह से मैं अपडेट नहीं दे सका। और अब हम लोग आए हैं मोहल्लों में आवाज़ लगाने। मेरे साथ श्याम मनीष है, हमारी नानी का इंतकाल हो गया है, शाहरुख है, दुखी है, रोहित आया आवाज़ लगाने। अभी हम लोग आवाज़ लगाने जा रहे हैं मोहल्लों में।
ये हम लोग आ चुके हैं कायद अजम प्लाजा हैदराबाद में, जितने भी मोहल्ले हम उसमें मैयत की आवाज़ लगा रहे हैं ताकि इन्हें इतला हो जाए कि सुबह 10 बजे मैयत उठेगी। तो आ गए हैं कायद अजम प्लाजा के बैक साइड पर कैंटोनमेंट कॉलोनी, ये यहाँ का मंदिर है। हाँ किधर है शाहरुख वाले? इधर गए, आ जाओ। तिलक चाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, रोक जा रहे हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टंडो वाली मोहम्मद, ये कोजी अली। फ्रेंड्स मैं घर आ गया हूँ अपने, क्योंकि अभी मुझे वहाँ पर ही जाना है। मैंने सुपरवाइज़र को कॉल की, 2 दिन की छुट्टी ली और वहाँ का माहौल ऐसा था कि बस हर कोई रो रहा था, दुख में एकदम निढाल हो रहा था, तो मुझे वहाँ की फुटेज लेना सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि नानी के बहुत सारे रिश्तेदार हैं। इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में एक अच्छी इमेज बनाई हुई थी, जिस वजह से उनके घर में बहुत रश थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे गम के माहौल में उनकी मैं फुटेज बनाऊँ, तो इसलिए मैंने वहाँ की जो है कोई फुटेज नहीं बनाई। और मैं अभी घर आ गया हूँ, अभी 11 बजे हैं और मैं अभी वहाँ वापसी जाऊँगा, तो मैं घर पर मेहमान थे इस वजह से मुझे आना पड़ा। अब मैं जा रहा हूँ टंडो वाली मोहम्मद शान बाबा के पास। अभी रात के 2 बजे हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो। ओके, गुड नाइट।